कि वो मनगत करे सर। देखा जेल अधीक्षक द्वारा जो प्रयास चल रहा है, ऐसे जेल के अंदर भी प्रतिभावान बच्चे होते हैं तो खेल का प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, प्रेम और संस्कार जिस प्रकार कैदियों के अंदर कि जेल के अंदर भी आप स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें और आपस में भाईचारे जैसा संबंध बनाकर रहें, एक दूसरे से मारपीट न हो, लड़ाई न हो, जेल के अंदर भी प्रेम भावना से आप अपना समय काटें और एक दूसरे कैदी से आपस में न लड़ें, ये जो आप प्रयास कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रयास है, सोच अच्छी है और माननीय योगी जी के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ का जेल अधीक्षक सीताराम जी जिस प्रयास में लगे हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरह प्रयास करना चाहिए। और इस उन लोगों का मैं आज भी देखा, अभी वॉलीबॉल का मैच देखा, दोनों टीम के अंदर जेल के अंदर ही जेल के ही जो कैदी वही खेल रहे थे, बहुत सुंदर गेम खेला उन्होंने और बच्चों के अंदर प्रतिभा भी है इस प्रकार की, इसलिए जिस जो प्रयास कर रहे हैं ये माननीय योगी जी के सपनों को साकार करने का। जिस तरीके की रायबरेली जेल में घटना है, यहाँ पर एक अलग ही नजारा देखा, सभी जेलों में इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए और वास्तव में जब उनके सामने लक्ष्य रहेगा संस्कार का, लक्ष्य होगा ईमानदारी का, लक्ष्य होगा राष्ट्रप्रेम का, तो अपने आप उनके अंदर वह भावना प्रफुल्लित होता है और वह राष्ट्र और देश के प्रेम से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं और इसी शक्ति से लोगों को जोड़ा जा सकता है और उसी की शक्ति से संस्कार। तो माननीय योगी जी का सपना है कि जेल में रहते हुए भी आपस में न लड़ना है,